हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? सब बढ़िया। सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता होगा ना कि सर सुबह सुबह लेक्चर भेज देते हैं और सीधा हमें परेशान करते हैं, नींद भी खराब करती है। अबे उठ जाओ पापियों, उठ जाओ, रजाई में से पैर बाहर निकाल लो, उठ जाओ, हाथ मुंह धो लो, बहुत पाप कर लिए तुम लोगों ने सो सो के। अब पढ़ाई करने का वक्त है, ठीक है? तो आज हम पढ़ाई करने वाले हैं और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने क्या गौरव किया था? वर्क के बारे में पढ़ लिया था। तो वर्क हम लोगों ने, आई होप सो कि आप सभी को समझ आ गया होगा कि वर्क होता क्या है। तो हमने वर्क डन पढ़ लिया था, ठीक है ना? तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही पढ़ लिया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, बेशक आप फोर्स कितना भी अप्लाई कर लो, वो बिल्कुल इस वर्क डन का हो जाएगा, जीरो हो ही जाएगा, ठीक है? जीरो हो जाता है। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया था। तो आज हम आगे नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पूरी लाइफ टाइम आपके काम आने वाला है। और इसे हम बात करते हैं, किसके बारे में बात करेंगे? एनर्जी, इसे हम कहते हैं एनर्जी, ठीक है? आज हम लोग पूरा टॉपिक इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि एनर्जी होती क्या है, हम लोग क्या काम करेंगे, एनर्जी होती क्या है, कितने टाइप की एनर्जी होती है, वो चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा फोकस यही रखना, और हमेशा हमेशा समझाता रहा हूँ कि अपने बस कॉन्सेप्ट क्लियर करो, रिटर्न वर्क बुक में क्या लिखा हुआ है याद करोगे, उसे फिर रटोगे, फिर लिख के आओगे एग्जामिनेशन, तो कोई फायदा नहीं, भूल जाओगे। लेकिन हमें ऐसा प्रिपरेशन करने है कि हमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट तैयार कर लेना। कभी कोई पूछ रहे ना, छोटा भाई बड़ा भाई, अभी ये बताइए क्या होगा, अरे चुटकी बजाते आंसर देते, अरे ये होता है, और कहाँ से बड़ा, अरे संडे बड़ा है, ठीक है? तो हमें ऐसे बिल्कुल फोकस रखना है। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? एनर्जी के बारे में। आज से सोच रहे होंगे, आते आज तो सर ने टोपा लगा लिया। अरे भाई टोपा लगाया भाई, सर्दी हो रही है, उसने बारिश पड़ रही है, बारिश का मौसम है, छम छम बारिश पड़ रही है। चलो एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। देखो एनर्जी समझते हैं, हम लोगों ने जो वर्क डन किया था, तो हम लोगों ने वर्क डन हुआ कैसे था? तो हम लोगों ने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की थी, यस और नो, फिर उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ था, हुआ था नहीं होता, तो हमें क्या मिला था? वर्क डन। जो हमारी बॉडी की बात होती है ना, किसी बॉडी की बात होती है, अगर हम उसकी एबिलिटी को नापना चाहते हैं तो उसे क्या काम करना, उसे वर्क डन करना पड़ेगा। भाई सपोज करो कि अगर आपकी आपकी मदर, आप अपने घर का सामान शिफ्ट करा रहे हो, ठीक है? तो आपकी मदर ने कहा बेटा आज तुम्हें सारा सामान शिफ्ट कराना है, और अगर पता लगा कि भाई आप तो सुबह से खाली पेट हो, तो आपको बहुत ही भारी अलमारी आपको इधर से उधर शिफ्ट करनी है, या कर पाओगे उस वक्त? नहीं कर, क्यों? आपका खाली पेट है। अब जैसे मम्मी ने कहा बेटा बेटी आज तो आपके लिए पिज्जा ऑर्डर कर दिया, पहले पिज्जा खाओ फिर काम करो, तो आपके एकदम सिंह निकल जाएंगे। और तेरी मम्मी तो पिज्जा मंगवा ली आज, कहाँ से सूरज निकल गया है, ऐसे कैसे हो गया, मम्मी ने पिज्जा ऑर्डर कर दिया। दो की रोज चाटे बजाते थे, दह चाटे बह चाटे, ऐसा होता था ना। तो अब आपका पिज्जा ऑर्डर हो चुका है, पिज्जा आपके पेट में जाने वाला है, खा लिया कोटिंग वगैरह सब, तो अब आप काम करोगे, एनर्जी आई आपके अंदर। ये मैं जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि किस टाइप से एग्जाम्पल हम लोग सोच सकते हैं, आपके अंदर एनर्जी है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा क्या काम करोगे? वर्क डन करोगे, यस और नो, फोर्स लगाओगे, डिस्प्लेसमेंट होगा। ऐसे किसी भी बॉडी के ऊपर हो सकता है, जो कि मैं ऐसे प्रैक्टिकली एग्जांपल दे रहा हूँ, या फिर आप सोच सकते हो, ठीक है? जस्ट लाइक इमेजिनेशन, जितनी भी सारी चीजें यूनिवर्स में तो कैसे काम करती है, वो चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। तो एनर्जी जो आपके पास होती है ना, एबिलिटी टू डू वर्क, सिंपल सी बात, एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क, वो आपके पास क्या होती है? एनर्जी। काम करने की क्षमता या एबिलिटी या फिर कैपेसिटी को ही हम लोग क्या काम करते हैं? एनर्जी का नाम देते हैं। पहले देते हैं ना एबिलिटी, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड क्या होगा? एनर्जी, ठीक है? इस कॉल्ड, सिंपल सी लैंग्वेज समझ आएगी ना। तो एनर्जी आपके पास होगी। अब सवाल ये है कि एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होगी? क्या एनर्जी स्केलर होगी या वेक्टर होगी? अब ये बताओ, जब वर्क डन हुआ था हमारे पास डॉट प्रोडक्ट था, वर्क डन का क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जो वेक्टर का, जो दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता था, वो कौन सी क्वांटिटी देता था? हमेशा स्केलर, जिसकी वजह से वो वर्क डन किस में होता था? स्केलर क्वांटिटी। अब ये एनर्जी किससे, किसके ऊपर डिपेंड है? वर्क डन के ऊपर। भाई एबिलिटी टू डू वर्क, भाई वर्क डन आपके पास कौन सी क्वांटिटी थी? स्केलर क्वांटिटी थी। तो जब वर्क डन आपकी स्केलर क्वांटिटी थी, तो आपकी एनर्जी कौन सी क्वांटिटी होगी? ऑब्वियसली बात है, स्केलर क्वांटिटी। तो हमें ही पता लग गया कि आपके पास जो वर्क एनर्जी है ना, वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। बात समझ आई? यस और नो। अब जो वर्क डन था उसमें आपके पास ऐसा यूनिट आती थी, याद है? तो वर्क डन की जब हम लोग ऐसा यूनिट की बात करते थे, तो हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और फोर्स से क्या होती थी? न्यूटन। इससे क्या होती थी? मीटर। और न्यूटन मीटर को हम एक नाम देते थे, जिसका हम नाम देते थे क्या? जूल। और हम लोगों ने उसे कैपिटल जे से डिनोट किया था। तो जब वर्क डन की यही है, तो एनर्जी की भी क्या होगी? जूल होगी। बात समझ आई?
एनर्जी की भी क्या होगी, जीरो होगी। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे जैसे माइक्रो मिली ये सब पूछे जाएंगे, वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि माइक्रो में कितने होते हैं, मिली में कितने होते हैं, ठीक है, मैक्रो में कितने होंगे, तो वो हम अभी डिस्कस करते हैं। आप हो सकते बता देना छोटी सी डेफिनेशन, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल होगी। बात क्लियर है ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। सपोज करके बता देना छम छम बरसा पानी, अच्छा छम छम एक टिप है, टिप टिप बरसा पानी, पानी पे आग लगा दी, ऐसी है ना गाना, बारिश पड़ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपके पास जब एनर्जी की हम बात करेंगे ना बच्चा बैठिए, तो हमारे पास टाइप्स ऑफ एनर्जी की हम लोग बात करेंगे, और टाइप्स ऑफ एनर्जी ऐसी बहुत सारी एनर्जी है, अंधाधुंध एनर्जी है आपकी, मैकेनिकल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो सब हमें डिस्कस नहीं करना, सिर्फ हमें बात करनी है किसके बारे में, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करनी है। तो मैकेनिकल एनर्जी बनी किससे मिलके, सवाल ये होता है कि मैकेनिकल एनर्जी कौनों से मिलके बनी है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी होती क्या, देखो मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी पहली आपके पास होती है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को टोटल एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। अब देखो जब आप जनरेटर, मेरे पास एक जनरेटर है, जनरेटर में मैं डायनामो होता है, मैं उसको घुमा रहा हूं, मैं क्या काम कर रहा हूँ उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, जैसे वर्क कर रहा हूँ जनरेटर घुमा रहा, या फिर किसी की खेती बाड़ी होती है, या फिर वो चारा काटते हैं जैसे भैंसों का चारा काटते हैं, तो आप उसे वर्कर का तो घुमाते हो ना, तो आप अपना एक वर्क कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी का यूटिलाइज कर रहे हो, आप उसमें एनर्जी का क्या कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो। जब आप किसी चीज में एनर्जी का यूटिलाइज कर रहे हो तो ये समझ लेना आप लोग किसका क्या काम कर रहे हो, मैकेनिकल वर्क कर रहे हो। और मैकेनिकल वर्क जो है आपका, जैसे जनरेटर घुमाते हो, जनरेटर घुमाया, वर्क किया, डायनामो होता है उसमें जो घुमाते हो, तो जैसे आप लोगों ने वर्क किया तो आपको क्या मिली, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली, इसके मदद से मिली, जनरेटर की मदद से। तो जब आपने काम किया ना उसी काम को मैकेनिकल वर्क करते हैं, कितने भी जितने भी आप काम करते हो जिसमें आपकी एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है वो सारी की सारी मैकेनिकल्स होती है, है? तो मैकेनिकल एनर्जी जो बनती है ना मिलकर, वो दो से मिलकर बनती है, एक आपके पास उसमें होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है आपके पास उसमें क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिलके बनती है, सिंपल सी बात ही है। अब सवाल ये होगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अरे पढ़ रहे हैं ना भैया, आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे ना, क्यों परेशान हो रहे हो, क्या सर आप तो परेशान करते रहते, अरे भैया सुन तो लो हमारी बात है। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देखो सपोज करो पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, काइनेटिक एनर्जी, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। द एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी या फिर लिख सकते थे एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन, या फिर और बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, बात देखिए, ठीक है। कई जगह ड्यू टू लिखा होगा, कई जगह वर्च्यू लिखा होगा, बात देखिए। अब सवाल यह है कि एनर्जी तो डेफिनेशन तो होगी, लेकिन हमें समझ कैसे आया कि एनर्जी होती क्या है। देखो एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग बात करते हैं। सपोज करो कि मेरे पास एक फुटबॉल है, ठीक है, मेरे पास एक फुटबॉल है, मैंने उसको लात मारा गुस्से में आके मैंने लात मारा, ठीक है, पुश कर दिया मैंने उसे, अब मैंने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, यस और नो, करी मैंने फोर्स अप्लाई। अब जब तक उसके ऊपर फुटबॉल के ऊपर फोर्स का इफेक्ट रहेगा वो घूमती रहेगी, और जैसे ही फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, एक टाइम बाद रुक जाएगी। जो कुछ टाइम के लिए फोर्स लगती है ना, याद रखना उसे हम इंपल्सिव फोर्स कहते हैं, कुछ टाइम के लिए फुटबॉल के ऊपर जो फोर्स का इफेक्ट रहता है ना उसे हम कहते हैं इम्पल्स फोर्स, IMPULS, इम्पल्स फोर्स या फिर इम्पल्सिव फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए जो फोर्स लगती है। तो यहाँ देखो मैंने फुटबॉल के ऊपर मैंने जैसे हिट किया, मैंने उसे पुश किया और वो घूमती घूमती जाएगी। अब जब मैंने उसको देखा, मैं उसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यार वो घूम रही है, वो घूम रही है, घूमे जा रही है, तो मुझे इस चीज का रियलाइज हुआ कि कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है उसके पास जिसकी वजह से वो घूम रही है। एनर्जी होगी जब तो हम घूमेंगे, जब तो होगा कोई पार्टनर। फिर देखो मैंने फोर्स भी अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो मतलब उसके पास कोई एनर्जी। अब एनर्जी का पता कैसे लगा, वर्कडन हुआ ना, वर्कडन क्या हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मुझे पता लग गया कि इसके पास कोई ना कोई भयंकर वाली एनर्जी है, तो रास क्लिश वाली एनर्जी है, बहुत ही कपाला वाली एनर्जी।
तो जब उसके पास एनर्जी का मुझे पता लगा, तो मुझे ये पता लगा भैया ये एनर्जी जो है वो एक वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। और वेलोसिटी कैसे पता लगा? कि वो घूम रही है, अच्छे से घूमे जा रहे, घूमे घूमे रहे दुनिया, घूमे घूमे रहे दुनिया, वो घूमे घूमे जा रही है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी के ऊपर एक चीज डिपेंड कर रही थी वो थी आपके पास एनर्जी, और उसी एनर्जी को हम नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी। बात समझ आई? वो एनर्जी जो कि किसकी वजह से होती है, वो मोशन की वजह से होती है। और वो मोशन है किसका? उस ऑब्जेक्ट का जो कि मूव कर रहा है। इसी वजह से लिखा था एनर्जी पॉजिस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है। उस मोशन की वजह से जो आपके पास एनर्जी मिलेगी वो आपके पास कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो डिपेंड किसके ऊपर करेगी? सबसे पहला पॉइंट, डिपेंड वो करेगी भैया वेलोसिटी के ऊपर। अगर आपके पास वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी अवश्य मिलेगी, अवश्य अवश्य आशीर्वाद मिलेगा आपसे। और अगर वेलोसिटी उसके पास नहीं है तो कोई आशीर्वाद नहीं रहेगा, चुटकी मार के बाहर भगा दो। बात समझ आ रही है? तो इससे हमें ये पता लगा भैया काइनेटिक एनर्जी है जो कि किसकी वजह से? ड्यू टू इट्स मोशन की वजह से। और वो डिपेंड किसके ऊपर करेगी? वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। सवाल ये होगा कि भैया वेलोसिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करेगी, कैसे डिपेंड करेगी? चलिए पढ़ते हैं हम लोग कैसे डिपेंड करेगी, ध्यान से देखना, ठीक है। चलो ये उतार लेना जरूर फटाफट से। और काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ी मैं कॉफी से पी लूं क्योंकि आज ठंड बहुत है, तो जुगाड़ सब कुछ करना पड़ता है पढ़ाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। चलो बढ़े आगे। चलो मेरे पास एक बॉल है, चलो इसी बॉल का मैंने एग्जांपल ले लिया। मेरे पास एक बॉल है, राउंडेबल बॉल, ये शेड कर देते हैं हम लोग। और यहाँ बच्चा पार्टी खड़े हो, गुस्से में गड़ रहे, तेरी तो आज मैं फुटबॉल को मार नहीं छोड़ूंगा, ऐसे जिंदा गाड़ दूंगा गब्बर, बसंत कहाँ चले, ऐसे कह रहे हो आप लोग। तो ये गब्बर है आपके लिए, ठीक है। तो ये आप लोग धर्मेंद्र बन के खड़े हो, 2.5 किलो का हाथ, मैं उसका नहीं हूँ, सनी देओल का, सॉरी। तो यहाँ देखो, यहाँ जब वो बॉल रेस्ट पे थी, यहाँ भी बॉल रेस्ट पर है, इसका मास हम लोग ले लेते हैं एम। मैं छोटी सी वर्डिंग में लिख देता हूँ, तो यही लिखता रहता हूँ। एम जो है वो आपके पास क्या है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एम जो है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहां जब हम लोगों ने बात की बच्चा पार्टी, तो भैया यहां अभी ये किस में चल रहा है? रेस्ट पे चल रहा है, रेस्ट पर। तो जब कोई चीज रेस्ट पर होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। बात समझ आ रही है? तो मैं लिख देता यू क्या है उसके पास? इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी, किसकी? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिख लो, ठीक है। तो यू आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब क्या कर रहा है? अब वो बॉल के ऊपर पुश कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, तड़ातड़ फोर्स लगाया जा रहा है। अब उसने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दी, यहां से उसने फोर्स अप्लाई कर दी, कितने की न्यूटन भी हो सकती है, ठीक है। तो अब ये क्या काम करेगा? इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट लिया, लिया नहीं लिया डिस्प्लेसमेंट, तो मैं ले लेता हूं कि यहां से लेके यहां तक जब वो पहुंचा तो उसने कुछ ना कुछ भाई साहब डिस्प्लेसमेंट लिया होगा। और यहां तक जब वो पहुंचा, अब मेरे को बताओ क्या इसका मास चेंज हुआ? नहीं, इसका मास बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, इसका मास जितना पहले था उतना ही था, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज हो चुकी है। और जब पोजीशन चेंज हो गई तो उसकी वेलोसिटी भी होगी, तो वी आपके पास उसकी मैं मान लेता हूं फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। वी जो है उसके पास फाइनल वेलोसिटी। अभी बॉडी मूविंग कर रही है, याद रखना मोशन में है बॉडी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी या ऑब्जेक्ट लिया है, मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब यहां देखो बच्चा पार्टी, यहां तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती, वो रेस्ट पे था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी जीरो, बात क्लियर है ना। और यहां उसके पास फाइनल वेलोसिटी भी, लेकिन मास उसका वही रहेगा क्योंकि मास चेंज नहीं हुआ है। बात समझ आ रही है? तो इसे तरह फटाफट मैं एक सेकंड देख लेता हूँ, सही चल रही है वीडियो। तो आप देखो, तो यहां आपके पास, अब देखो एक एक चीज देखनी है हमें, एक एक चीज समझनी है। यहां फोर्स आपके पास जैसे ही लगी तो हमें ये पता लग गया कि हमारे पास न्यूटन बाबा के लॉ आने चाहिए। और न्यूटन बाबा के कौन कौन से लॉ कहते हैं? न्यूटन बाबा का देखो सेकंड लॉ, फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, हमने अगर सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। तो यहां हम लोग बात करेंगे उसका, जब ड्राइव करके आंसर आता था तो आपको पता है कि फोर्स किसके इक्वल होता था? मास इनटू एक्सेलरेशन, याद है। अब उसका मतलब कहते हैं जितना किसी बॉडी के ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उसके पास उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा,
वो एक्सेलरेट करेगा बॉडी, भाई फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी एकदम से एक्सेलरेट करेगी, क्यों? उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा टाइम के साथ, और जब जब वेलोसिटी में चेंज होता है टाइम के साथ, तो आपके दिमाग में एक चीज आ जाती है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन करा घूम रहा फोर्स करा रहा था ना, तो यहां पर आपके पास क्या हो गया कि जो फोर्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल था एक्सेलरेशन के, हमें पता था अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता था, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ये आपके पास एक्सेलरेशन है। सवाल ये है कि मैं अगर एक्सेलरेशन की बात करता हूं, ना ही मेरे पास एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू, ना ही मेरे पास इसका फोर्स की वैल्यू, तो मैं कैसे निकालूं, मुझे क्या निकालना है, मुझे वर्क डन निकालना है, याद रखना है मुझे वर्क डन निकालना है, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन, तो वहां से मुझे पता लगेगा कि एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सिंपल सी बात ये है। तो हम लोग न्यूटन की, हमारे पास तीन इक्वेशन होती थी जब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेट करता था, कौन कौन सी होती थी, एक होती थी आपके पास याद है बी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता था, यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यही होता था, सिंपल सी बात। तो देखो इसमें टाइम है, इसमें टाइम है, इस वाली इक्वेशन मैंने टाइम को यूज नहीं किया है, सो वी हैव टेकन द कौन सी इक्वेशन लेंगे, वी हैव टू टेक लास्ट इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, वेयर वी इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, एंड ए इज द एक्सेलरेशन, एंड एस इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, ठीक है। तो यहां आपके पास हम लोगों ने तीसरी इक्वेशन को यूज किया, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, बात समझ आ रही है। तो v आपके पास फाइनल वेलोसिटी ऑलरेडी है v स्क्वायर, u क्या है इनिशियल, जो कि इनिशियल वेलोसिटी क्या चल रही है जीरो, आपके पास 2 इनटू क्या हो गया as, बात समझ आ रही है। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास एक वैल्यू आ रही है कितनी, v स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 2as, क्या यहां से मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकता हूं, यस और नो, निकाल सकता हूं, आराम से निकाल सकता हूं। तो यहां से मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेता, क्या होगी v स्क्वायर इक्वल्स टू ए को यही छोड़ दो क्योंकि हमें एक्सेलरेशन निकालना है, टू एस को कहां ले जाओ नीचे ले जाओ, बात समझ आ गई। तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी है किस फॉर्म में, वी स्क्वायर अपॉन टू एस, बात समझ आ गई। तो इस वाली इक्वेशन को मैं फिलहाल एफ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन जो है इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं और इसे इक्वेशन को सेकेंड मान लेता हूं। तो मैं क्या लिख देता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एन इक्वेशन इसमें रख दू, फर्स्ट में रख देता हूं, रख दू फर्स्ट में, तो मेरे पास फोर्स इक्वल्स टू कितना हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, वी स्क्वायर अपॉन टू एस, बात आ गई। तो फोर्स की हमें अभी फिलहाल वैल्यू मिली है कितनी, एम वी स्क्वायर अपॉन टू एस, टू इंटू एस। हमें क्या पता करना है बच्चा पार्टी, हमें पता करना है वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हुआ, कितना वर्क डन हुआ जब फोर्स इस पर अप्लाई हुई वहां पहुंच गया, तो हमें पता है कितना होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू कितनी है ये हमने निकाल ली, एम वी स्क्वायर अपॉन टू एस, और इनटू क्या चल रहा है, और इसमें क्या चल रहा है, एस एस से एस कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास हो गया हाफ एम वी का स्क्वायर, एम वी स्क्वायर अपॉन टू, बात वही है। तो वर्क डन हमें मिला, कौन सा मिला, वर्क डन की वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर हमें मिल चुकी है, हाफ एम वी स्क्वायर का। अब ये देखो ये वेलोसिटी है, तो यहां वर्क डन हमें पता है एनर्जी की फुल फॉर्म क्या होती थी, एनर्जी की डेफिनेशन द एबिलिटी टू डू वर्क, द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क, यहाँ वर्क डन हो गया। अब ये जो एनर्जी है, ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन जो होगा वो किसकी मदद से होगा, एनर्जी की मदद से, तो इसी वजह से वर्क डन कन्वर्ट हो जाता है आपका एक एनर्जी में, जिसे आप कहते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी, ये सब क्या कहते हैं बबुआ, उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। मैंने आपको बच्चा पार्टी बताया था कि आपका काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी। देखो फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो मास तो आपके पास कांस्टेंट है, जब मास कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी जो है, एनर्जी जो है काइनेटिक, वो किसके ऊपर प्रोपोर्शनल हो जाएगी, वी स्क्वायर के। तो काइनेटिक एनर्जी जो डिपेंड करेगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी जितनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है उतनी ही ज्यादा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। बात क्लियर है, क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, समझ आ गया ना। तो यहां हमारे पास एक फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर का हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर, बात समझ आ गई। तो आज हमारे पास इतना ही करते हैं हम लोग, तो काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, आराम आराम से पढ़ेंगे यार, तसल्ली से पढ़ेंगे, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन सब कुछ पढ़ेंगे।
आग लगा देनी भाई, आग मोहल्ले में आग लगा देनी पढ़ पढ़ के, ताकि हम टॉपर बने और सारा टका सारा क्रेडिट आपके पेरेंट्स को जाए और थोड़ा बहुत हमें भी दे दे। ठीक है चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, इसे उतार लेना टॉपिक में, नोट डाउन कर लेना। और हर एक चीज देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन है, जो छोटे मोटे चीज है ये आपके पास क्या एक्सेलरेशन है इसको लिख लेना, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट लिखना, ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट आफ्टर अप्लाइड फोर्स। ठीक है फोर्स होगा तो ये एक्सेलरेट करेगा, तो एक्सेलरेशन बोलेगा। चलिए फिर आज के लिए इधर रखते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और अगर ना आग लगा देनी चुटकी बजा, ठीक है। चलिए आज की तरफ से जय हिंद जय भारत, टाटा हैव अ नाइस डे, घर में रहो सुरक्षित रहो, ठीक है, चलिए टाटा।